कैसे हो सभी लोग। और सबसे बड़ी बात गुड न्यूज़ है कि मैं एक फिर नई ट्रिप पे जा रहा हूँ और ये बांद्रा टर्मिनस है और मैं पश्चिम एक्सप्रेस, ये जो पीछे ट्रेन है वो मैं पकड़ने वाला हूँ। और पश्चिम एक्सप्रेस जाती है कालका, ये दिल्ली अम्बाला अमृतसर होके जाती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कालका तक का प्लान बता रहा हूँ क्योंकि मैं कालका का एक, उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं बताऊँगा, पर अभी तक कालका ही है। नेक्स्ट ट्रिप में जो डेस्टिनेशन है वो रिवील नहीं कर रहा हूँ, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस बार, तो चलते हैं फिर। फाइनली सूरत पहुंच गया, ये पीछे सूरत का बोर्ड लगा है और सूरत पहुंच गया और सही टाइम पे। अगर ऐसे ही चली तो कल 4-5 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये देखो सूरत, जल्दी पहुंचेंगे, मज़ा आ रहा है। मैं ट्रेन में बैठता हूँ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी मेरी। रात के 8:25 हो रहे हैं और मैं कहीं दाहोद स्टेशन पे हूँ, पता नहीं ये कहाँ पे है। और बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रेन की जर्नी आधी बीत गई है और आप पूरी रात अभी बाकी है, रात सोते हैं फिर उसके बाद सुबह देखते हैं क्या होता है। बहुत मज़ा आने वाला है आज तो। लगभग 20 घंटे के सफ़र के बाद मैं मथुरा पहुंचा हूँ। सुबह के 7:30, रात तो कैसे ना कैसे कट गई है पर मज़ा आ रहा है। और मथुरा तो जब जाना माना जाता है कृष्ण भगवान की नगरी से। काश थोड़ा जल्दी आया होता यहाँ पे, कुछ दिन पहले तो होली भी मना लिया रहता, पर क्या करें, चलो कोई नहीं। अभी देखते हैं, मथुरा तो पहुँच गया हूँ, आधी जर्नी ख़त्म हो गई है और देखते हैं अभी इसके बाद दिल्ली आने वाला है, तो दिल्ली चलते हैं फिर। मज़ा आ रहा है क्योंकि जो जगह है जहाँ जा रहा हूँ वो और पास आ रहा है, तो देखते हैं। वैसे तो मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ अभी और यहाँ से कालका 6 घंटे का और सफ़र है। लगभग अभी तो 10:40 हो रहे हैं और 6 बजे उतार मिली, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, तो जुड़े रहिए, मज़ा आएगा। और चलते हैं, पश्चिम एक्सप्रेस की एक खास बात यह है कि जब वो अम्बाला कैंट पहुंचती है तो पीछे के 5 डब्बे छोड़ के अलग हो जाती है, मतलब आगे के जितने डब्बे हैं वो कट जाते हैं और पीछे के 5 डब्बों में एक इंजन लगता है और फिर वो ट्रेन जाती है कालका की तरफ। तो अभी पाँच डब्बे रहते हैं जो कट जाते हैं, तभी वो कटे हैं इसके और दूसरे इंजन लग रहे हैं पीछे 5 डब्बों में जिसमें मैं हूँ। और अभी देखो वेट कर रहा हूँ फिर कब लगेगा और कब पहुँचेगा। और उसके बाद अभी मेन बात यह है कि ट्रेन तो सही समय पे है, देखते हैं आगे लेट ना हो जाए। अभी चंडी मंदिर स्टेशन पे हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से हिली स्टेशन शुरू हो गया और मेरे साथ मेरे करमवीर सर हैं, बहुत अच्छे टीटी हैं, मैंने कभी इतने अच्छे टीटी से मिला ही नहीं, मतलब मेरी बहुत हेल्प की रास्ते पर। और अभी पता चल रहा है कि ये जो मैं कालका से शिमला जा रहा हूँ वहाँ के भी टीटी यही हैं, तो आई विश वहाँ भी मदद मिल जाएगी, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से निकलते हैं, कालका चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ कालका का क्या प्लान है फिर। तो लुक वेयर आई एम, कालका रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और
बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं सोचा नहीं था कि मतलब इतना मज़ा सीरियसली आएगा। मतलब पहाड़ी चारों तरफ शुरू हो गए। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैं एक अभी तक का जो सफ़र था ये कालका तक का, वो ठीक था। मतलब टिकट विकेट सब ले ली थी, पर बात ये है कि कालका से शिमला के लिए मैंने टिकट नहीं ली है। तो जो भी सर से मैंने वीडियो में दिखाया आपको, करमवीर सर जो हैं, वो उन्होंने मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है कल देखते हैं, कल आप आ जाओ स्टेशन पे। तो अब कल जाने के बाद पता चलेगा क्या है। तो अभी मैं जाता हूँ और होटल चेक इन करता हूँ, देखता हूँ कोई होटल मिलता है कि नहीं मिलता रात भर के लिए। चेक इन करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ, कहीं घूमने वाली जगह अगर होगी कालका तो ठीक है, नहीं तो फिर कल शिमला ही देखते हैं। पर अभी घूमूंगा। सो यहाँ पे होटल ले लिया मैंने। ये होटल का नाम मेरे को अभी पता ही नहीं है। अमर ना होटल अंबर है ना, होटल अंबर लिया हूँ। और होटल का जो चार्ज है वो 500-600 के करीब है। आप बाकी जैसे ले लेंगे, बार्गेनिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैं चेक इन करके बाहर की तरफ जाता हूँ और बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी पूछना पड़ेगा कि कालका में क्या क्या है घूमने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं कालका के बारे में। और मैंने अपने ट्रिप में कहीं मेंशन नहीं किया कि मैं कालका में कहाँ घूमूंगा। सो अभी निकलता हूँ चेक इन करके। सो होटल में चेक इन कर लिया। अभी ये अंबेर करके होटल है, वहाँ पर मैंने चेक इन किया, जिसे मैंने बताया कि 500 रुपये मैंने दिए उसको चेक इन के लिए। सुबह लगभग 5:40 की ट्रेन है, तो रात मैं होटल में बिताऊंगा, फिर उसके बाद मैं सुबह ट्रेन पकड़ूंगा। और अभी मैं मार्केट एक्सप्लोर करने निकला हूँ कालका की। एक बात तो समझ में नहीं आ रही यहाँ पे, मैं कम से कम आधे एक घंटे से चले जा रहा हूँ, मतलब गलियों में इधर उधर घूम रहा हूँ, यहाँ की मार्केट ही नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब यहाँ पे घर का मैं मार्केट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हर जगह देख रहा हूँ, गली में देख रहा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, हर जगह मार्केट है, कहीं चप्पल की दुकान है, कहीं जूते की दुकान है। सो चलते जा रहा हूँ और थोड़ा चलता हूँ, देखता हूँ और आगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो राशन की दुकान, कपड़े की दुकान और जूते चप्पल की दुकान ही है। और कम से कम मैं लगभग 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और आगे देखता हूँ क्या है। और एक बात और है, यहाँ पे हर 2-2 सेकंड पे आर्मी की जीप जो रहती है बड़ी वाली, उसमें सब आर्मी भरे भरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ बेस कैंप उस कैंप होगा शायद आगे इसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी मुझे मार्केट की, कि हर जगह इतनी मार्केट है कि आप ऑप्शन में भी बहुत कुछ खरीद सकते हो। जब कुछ आपको खरीदना है तो आप 2-4 जगह दुकान घूम सकते हो, और बहुत मज़ा आ रहा है। देखते हैं। मार्केट घूमने के बाद मैं होटल में वापस आ गया, अंबेर होटल जो है, जो मैंने चेक इन किया है। और कमरा जो है डिसेंट है, ये बेड है, टीवी है, और ये वॉशरूम बाथरूम है, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, बेस्ट है। मतलब 500 रुपये में और क्या चाहिए, और भी रात बितानी है तो ठीक है ना, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं ठीक है। तो अभी मैं होटल में बैग वापस अच्छे से रख के फिर मैं खाने के लिए निकलूँगा, क्योंकि लगभग 7:30 हो गए हैं। तो खाना खा के फिर सोऊँगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, तो जाता हूँ खाना खाने के लिए पहले। मैं अभी शर्मा ढाबा पे हूँ, जो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पे, कालका रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे मैं इसलिए आ गया क्योंकि ये नज़दीक है, सबसे नज़दीक यही है मतलब ढाबे में। और मैं अभी पालक पनीर और तंदूरी रोटी मंगाया था खाने के लिए, क्योंकि रात हो गई है, लगभग 9:25 हो रहे हैं। तो मैं खाना खाने के बाद डायरेक्ट होटल में जाके चेक इन करूँगा, और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह 5:50 को लगभग शिमला के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो यहाँ से खाने के बाद मैं डायरेक्ट आराम करूँगा। और दूसरी बात, मेन बात यह है कि मैंने शिमला की टिकट ले ली। अब कैसे ली और क्यों, कैसे एक रात पहले मिली, वो मैं कल बताऊँगा शिमला जब ट्रेन में बैठूँगा। तो तब तक के लिए अलविदा, कल मिलते हैं फिर।